सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। आसान नहीं है मंजिल को पाना, कामयाबी अभी दूर है, पर मेहनत की डगर पर चलकर मंजिल मिलती जरूर है। उम्मीद रखना ऊंची उड़ानों की, छांव में ना खो जाना तुम, ठोकरों से सीख लेना जरा, सफर जारी रखना तुम। उम्मीद के साग पर ही खिलता है फूल जीवन का, सफलता उनके भी चूमती है कदम, जो छोड़ते नहीं है दामन आस का। आज का पंचांग 11 जून 2024 दिन मंगलवार, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि, शाम 5:27 तक रहेगी। इसके उपरांत षष्ठी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। अश्लेषा नामक नक्षत्र रात्रि 11:39 तक रहेगी। इसके उपरांत मघा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 3:45 से 5:27 तक रहेगा। आज का भी जीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:59 से 12:52 तक रहेगा। आज चंद्रमा कर्क राशि पर रात्रि 11:39 तक रहेगी। इसके उपरांत सिंह राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य वृषभ राशि पर रहेंगी। शीतला षष्ठी की शुभकामनाएं आप सभी को। तुला राशि 11 जून 2024 दिन मंगलवार, आज आप जिद्दीपन के प्रति अपना स्वाभाविक झुकाव महसूस करेंगे, लेकिन जब आपको यह अनुभव होगा कि ऐसा करना आपके हित में नहीं है तो आप पछतावा भी महसूस करेंगे। अच्छे से स्थिति समझें, आकस्मिक भावनाओं के बहाव में बहने के स्थान पर स्पष्ट सोच से काम लें। अगर आप थोड़ी सी समझदारी से काम लेंगे तो समाधान जल्दी निकलेगा और आपको जल्दी खुशी भी मिलेगी। किसी यात्रा का वादा अभी आपको उत्साहित कर सकता है। यात्रा की तैयारी अच्छे से करें क्योंकि जटिलताओं की संभावना है। कुछ नया पढ़ना आपके आत्ममूल्य की भावना को मजबूत करेगा। आपके पिता आपके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आप अपनी ताकत और सीमाओं का मूल्यांकन करने का प्रयास कर रहे हैं। मित्रों रिश्तेदारों और अन्य सामाजिक दायरों की तरफ ध्यान दें। आज अपने आप को भाग्यशाली मानेंगे क्योंकि आपको अच्छे दोस्त मिल रहे हैं। दोस्तों की समझदारी सहायता और समर्थन आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएंगे। दुनिया क्या कहती है या क्या सोचते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, किंतु आपका नजरिया कैसा है इसका फर्क पड़ता है। जिंदगी का भरपूर लुत्फ उठाने के लिए अपनी महत्वाकांक्षाओं को काबू में रखें, योग का सहारा लें जो आध्यात्मिक मानसिक और शारीरिक तौर पर स्वस्थ रहकर दिल और दिमाग को बेहतर बनाता है। जिन लोगों ने अतीत में अपना धन निवेश किया था आज उस धन से लाभ होने की संभावना बन रही है। छोटे बच्चे आपको व्यस्त रखेंगे और दिली सुकून देंगे। साथी के साथ अभद्र व्यवहार न करें। अगर आप अपने लक्ष्यों को पाने के लिए एकाग्रता से ध्यान केंद्रित करेंगे तो आपकी उपलब्धियाँ आपकी उम्मीद से ज्यादा रहेगी। आज के दिन अधिकांश समय खरीदारी और दूसरी गतिविधियों में लगाएं। रोजमर्रा की जरूरतें पूरी न होने से आपके वैवाहिक जीवन में तनाव संभव है। खाना साफ सफाई या कोई और घरेलू चीज इसका प्रयोग खाना साफ सफाई या कोई और घरेलू चीज इसका कारण हो सकता है। अपनी महत्वपूर्ण योजनाओं को फलीभूत करने के लिए बहुत अच्छा समय है। पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने आर्थिक नीतियों पर ध्यान दें, आपको अवश्य ही बेहतरीन परिणाम हासिल होंगे। सामाजिक गतिविधियों में भी आपका समय व्यतीत होगा। पुरानी समस्या का समाधान होने वाला है और प्रसन्नता बनी रहेगी। भविष्य से संबंधित बातों के बारे में चिंता करने की बजाय आप वर्तमान को जीने के लिए समर्थ हो जाएंगे। प्रॉपर्टी की बड़ी खरीदारी करने से पहले पूरी जानकारी प्राप्त करना आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण रहेगा ताकि आप सही निर्णय ले सकें। ध्यान दें कि सभी पहलुओं को ध्यान से जांचें और विशेषज्ञों से सलाह लें जब आप किसी बड़े निवेश का निर्णय लेते हैं। विद्यार्थियों को पढ़ाई पर ध्यान देना होगा, प्रलोभनों की वजह से आपका नुकसान हो सकता है। पार्टनर के साथ वक्त बिताने से आपको उनका स्वभाव ठीक से समझ आएगा। सेहत में भी सुधार हो सकता है। सावधानियां, किसी मित्र अथवा संबंधी की सहायता से आपकी कोई समस्या हल हो सकती है। कोई भी राजकीय कोर्ट से संबंधित कोई मामला चल रहा है तो असावधान रहने की जरूरत है। इनमें संबंधित किसी बात को लेकर तनाव बना रहेगा।
बात करते हैं लव लाइफ की। आप इस समय कुछ निराश अनुभव कर रही हैं। आप विपरीत लिंग के कई सारे बंदों के साथ भी डेट कर चुकी हैं, फिर भी आपको आज तक कोई अपनी पसंद का नहीं मिला है। परिवार से भी आप पर विवाह कर लेने का दबाव है। अपने परिवार वालों को समझाएं कि आप सही आदमी के लिए प्रतीक्षा करना चाहते हैं और इसीलिए वे आपको अभी के लिए सिंगल होने का भी पूरा मजा लेनी थी। आपके लिए रूप रंग और सूरत अधिक महत्वपूर्ण नहीं रखते, बल्कि मन की सुंदरता अधिक मायने रखती है। यही कारण है कि आपका साथी आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। आप भी अपनी तरफ से कोई कसर ना छोड़ी। आपका रिश्ता जल्द ही लोगों के लिए मिसाल बन जाएगा। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों पर ध्यान देने का वक्त आ चुका है। आप बहुत भाग्यशाली हैं क्योंकि आपको साथी के रूप में कोहिनूर हीरा मिला है। आप और आपके दोस्तों को एक दूसरे की मदद की भी जरूरत है और आप इस रिश्ते को अच्छे से समझते हैं। अपने पार्टनर से सब कुछ शेयर करें और उनकी भावनाओं की कद्र भी करें। बात करते हैं करियर की। आज आप अपने रोमांटिक मिजाज से कुछ अच्छे पल हासिल करने वाले हैं। स्वरोजगार को एक अलग पहचान दिलाएगा। इसके साथ ही आपको आर्थिक लाभ भी होगा। याद रखें, परिवर्तन मनुष्य के लिए आगे बढ़ने का एकमात्र तरीका है, इसलिए बदलाव को खुशी से स्वीकार करें। सामाजिक जीवन में आपका अधिक समय गुजरेगा। आपके दोस्त और रिश्तेदार भी आपकी कंपनी का आनंद लेंगे। एक दूसरे को समझना जीवन को आसान बना देता है। जो लोग जीवन में ऊंचाइयों को छूने के इच्छुक हैं, उन्हें अब कमर कस लेनी चाहिए। दूसरों की बातों को सुने और उनकी मदद करें। आज आपको लगेगा कि कुछ चीजों पर आपका नियंत्रण नहीं है और उनकी वजह से आप अपना अच्छा प्रदर्शन नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन विश्वास रखें, आप ईमानदार और मेहनती भी हैं। यहाँ तक कि आपके मालिक आपकी बाधा और परेशानी को समझते हैं, इसीलिए आप ईमानदार रहें और हमेशा की तरह काम करते रहें। लाभ बनाने के लिए आपको विदेश में किसी के साथ साझा काम करने की जरूरत है। आपके वित्त और धन में बढ़ोतरी की संभावना है। किसी प्रभावशाली और अनुभवी इंसान की मदद से आप फैसले लेने में सफल रहेंगे। वर्तमान गतिविधियों का शुभ परिणाम निकट भविष्य में जल्दी ही प्राप्त होगा। आय की स्थिति अभी सामान्य ही रहेगी। ऑफिस का माहौल शांतिपूर्ण भी रहेगा। बात करते हैं सेहत की। आज आपको आराम करने की जरूरत है, लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप पूरा दिन सोफे पर लेटे हुए जंक फूड खाते रहें। आपको आराम के लिए कुछ रिलैक्स करने वाली तकनीकों का अभ्यास करना चाहिए या कोई प्रोफेशनल से मसाज करवानी चाहिए। अपने खाने का ध्यान रखें। आपको जंक फूड पसंद तो बहुत है, लेकिन वे आपकी सेहत को नुकसान पहुंचाते हैं। आपको अपने स्वास्थ्य का और बारीकी से ध्यान रखना होगा। आज का उपाय। आज शाम को आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, बहुत शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।